हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 सीक्रेट्स में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में। जी हाँ, जिनमें पहले नंबर पे आता है तक्षशिला। भारत में सबसे पहले और प्राचीन जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है वो था तक्षशिला। इतिहास में यह कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व का लगभग अलग अलग कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ आयुर्वेद, नीति शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। कई देशों के राजकुमार भी विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। इसी के साथ दूसरे नंबर पे आता है नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, तक्षशिला के बाद अगर सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इस विद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। विश्व विद्यालय में उस समय के केवल भारत के नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई अन्य देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में उस समय 300 कक्ष, 900 मंजिल पुस्तकालय शिक्षकों के लिए थी, जिनमें शिक्षक शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। और हम आपको बता दें कि इसमें यार खिलजी द्वारा इसे आग लगाया गया था, जिसमें से 3 महीने तक यह जलती रहे। और इसमें पुस्तकों की संख्या बताए तो कम से कम 90 लाख थी, जो कि 3 महीने तक जलती रही। और उसी के साथ सारी किताबें जलकर खाक हो गई। और यहीं से नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित और नाम जल के ख़त्म हो गया। हालांकि यह आज भी भारत के इसके बिहार राज्य में स्थित है और यह पर्यटन का कार्य करता है और इसका निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इसी के साथ हम आपको बता दें विक्रमशिला विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे। नालंदा और तक्षशिला के बाद भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला। ये भारत के बिहार राज्य में भागलपुर नामक स्थान में स्थित है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यार्थी की तरह भारत के साथ साथ विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आज के समय यह एक पर्यटन स्थल मात्र है। चौथा है वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय गुजरात में है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में यह नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही था, उस समय माना जाता था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा कहा जाता था कि यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख स्थान था। इस विश्वविद्यालय में कई इमारती कला बेहद खास थी, जो उस समय के साथ नष्ट हो गई। यह स्थान आज के पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। इसी के साथ पांचवा आता है और लास्ट पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय यह विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीच बनवाया गया था। इस विश्वविद्यालय को सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह विश्वविद्यालय भारत में लगभग 700 से 800 साल तक शिक्षा का केंद्र था। तो इसी के साथ हमने आज आपको भारत के सबसे 5 प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में बताया, जो कि अब के टाइम पे नष्ट हो चुके हैं, जो कि पुराने समय में थे, हमारे यहाँ का शिक्षा के केंद्र थे और विश्व भर के छात्र उसमें शिक्षा ग्रहण करने आते थे और वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की रचनाएँ बेहद खास थी।
हालांकि समय के साथ आज वो धीरे धीरे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी इमारतें और उनका स्थान आज भी पर्यटकों के लिए सिर्फ पर्यटन स्थल का कार्य कर रही है। और ऐसे ही टॉप 5 सीक्रेट्स और जानकारियां पाने के लिए हमारे इस चैनल टॉप 5 सीक्रेट्स से जुड़े रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको पता था तब भी बताएं, नहीं था तो भी बताएं।